अच्छा जी, मैं ऑफिस में आ गया था और आज कुछ काम थे जो निपटाए हैं, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम मिला, सोचा कि मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ। तो मुझे पाकिस्तान में, यूएई में और उसके बाद अमेरिका में काम करने का मौका मिला है, तो तीनों जगह पे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। पाकिस्तान और यूएई में वर्क जो है वो उसकी फास्ट पेस्ड है और काफ़ी, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि टेंशन वाला काम है। वहाँ पे आपको हर वक्त आपके सर पे एक प्रेशर रहता है, आपको एक टेंशन जो है वो रहती है, आपकी जो टारगेट्स हैं, जो डेट्स हैं वो काफ़ी क्लोज होती हैं। या फिर वहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ फील्ड्स में आपको टेंशन मिल रही हो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे मैंने एक ड्राइवर को भी उसी तरह टेंशन में देखा है जिस तरह एक लेबर को मैंने देखा है, फिर उसी तरह मैंने मैनेजर को भी उसी टेंशन में देखा है। तो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट ही ऐसा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और यूएई। यूएसए में थोड़ा है काम पुरसकून सा कह लें आप, कि कोई किसी को इतना बॉदर नहीं करता, अपना काम है सुकून से कर लें आप, डेट्स वगैरह इतनी फास्ट नहीं होती, जितना काम आपको हो सकता है आप कर लें, बाकी आप ये है कि काम अपना करें आप, ये टाइम ज़ाया ना करें। और उसके बाद ये है कि फैमिलीज जो है वो उसको आप प्रॉपर टाइम दें, फैमिलीज फर्स्ट है, कोई टेंशन है, बीमारी है, आप उस चीज़ को एड्रेस करना है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि यूएई में आपको ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपका काम है तो सब कुछ फिर काम के बाद ही आता है, क्योंकि आपका वीज़ा, आपका जॉब, सब कुछ बस उसी से रिलेटेड है, तो इस वजह से वहाँ पर एक अजीब सा माहौल होता है। और बेसिकली हमारा दिन का, हमारी जो दिन का ज़्यादातर हिस्सा है वो काम पे ही गुजरता है, तो फिर अगर उसमें टेंशन होगी, उसमें परेशानी होगी, तो फिर आपका तकरीबन पूरा दिन और फिर पूरा हफ्ता, फिर पूरा महीना ऐसे ही परेशानी में और टेंशन में जाएगा। बेहतर आप देख रहा था तो आप देखिए, अगला पूरा हफ्ता बारिश और स्नो। लंच ब्रेक हो गई है और लंच ब्रेक में मैं यूजुअली जिम चला जाता हूँ। छोटा सा जिम है लेकिन हमारे काम के लिए काफ़ी है। Yo, Roland, how was the session today? It was awesome. Too bad it ended too soon. Yup. Look at the guns. Yeah. Time ho gaya, lunch break khatam hone lagi hai aur to abhi wapas jaate hain workstation pe. To ye hai ji meri office ki routine. डेली रूटीन तकरीबन ऐसी ही है, एक जैसी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अभी जाने का टाइम हो चुका है और मैं क्लोजिंग करके निकलता हूँ घर के लिए। फ्यूल प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। कुछ माह पहले $2.6 पर गैलन था और 2.6 के आसपास, और अब ये 3.9 से 4.12 तक जा रही हैं। पहले मेरी गाड़ी $28 तक फुल हो जाती थी और अब ये देखते हैं आज कितने में फुल होती है। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।